फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हिट्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कल रात 11 बजे 11:15 को मेरे को DRF टीम, GHMC DRF टीम से एक कॉल आया, बोले कि एक नवीन यादव का कटआउट्स है वहाँ यूसुफगुड़ा चेक पोस्ट में और यूसुफगुड़ा चौरस्ता गवर्नमेंट स्कूल के बाजू एक कटआउट्स 30 फीट का कटआउट्स है, वो निकालने के लिए आए हम और उन लोग 10-15 जने हमारे ऊपर हमला करे बोल के उन लोग कॉल किया मेरे को। कॉल करे तो मैं बस कल उन लोगों को बोला लोकल PS को कॉल करो क्योंकि पुलिस स्टेशन 100 डायल कर रहे हो और नहीं तो पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट दे दो क्योंकि आपका काम नहीं करने दिया तो आप कंप्लेंट देना पड़ता ना, बोल के उन लोगों को बोला मैंने। और उन लोग क्या बोले, आप कंप्लेंट दिया, मैंने चार महीने पहले कंप्लेंट दिया वो कटआउट्स के बारे में क्योंकि एक प्रोग्राम होने के बाद GHMC रूल है, एक प्रोग्राम होने के बाद एक हफ्ते नहीं तो दो टू थ्री डेज में वो बैनर रहें तो कटआउट्स रहें तो निकालते वो GHMC में रूल है। तो अभी 4 महीने हो गया नहीं निकाल के, इसलिए मैंने कंप्लेंट DRF कंट्रोल रूम में दिया कंप्लेंट। जनवरी से अब तक कंप्लेंट देते रह रहे हो, उन 5 बार कंप्लेंट दिया, इसलिए उन लोग कल आके मेरे को कॉल किया, आप कंप्लेंट दिया ना मैडम, आप स्पॉट पे आया तो हमारे को भी सपोर्ट मिलता बोल के उन लोग बुलाया मेरे को। तो मैं वो रास्ते में हूँ क्योंकि वुमेंस डे सेलिब्रेशन को गया मैंने मदुरा नगर पुलिस स्टेशन, मदुरा नगर वेलफेयर एसोसिएशन में वुमेंस डे सेलिब्रेशन हुआ, वहाँ से वहाँ वो रास्ते में जा रहा हूँ मैं क्योंकि पानी का प्रॉब्लम भी चल रहा, थोड़ा दुख का ला है ना इसे पानी का प्रॉब्लम भी चल रहा बोल के लाइन में उनको भी बुलाया, पानी का पोल्यूशन प्रॉब्लम है और पानी का प्रॉब्लम है वो भी देख सकते करके मैं अकेले गया, अकेले और मेरा कार्यकर्ता है कि शोएब बोल के उनको लेकर गया, कुछ प्लान करके गया तो हम भी 20-25 जने जाते थे। फिर वहाँ जाने के बाद मेरे को पूरा सिचुएशन मालूम हुआ कि वहाँ 40-50 जने ठहरे हुए थे, वो पंकट यादव और नवीन यादव उन लोगों का ऑफिस के सामने हुआ है। एक्चुअली वो डिवीज़न यूसुफगुड़ा डिवीज़न है और बेंगलाना डिवीज़न में भी एक कटआउट है सेटविन के बाजू, सेटविन बस स्टॉप के बाजू, और ये कटआउट जो है वो स्कूल के बाजू है, गवर्नमेंट स्कूल के बाजू है, अगर बच्चों को तकलीफ होता, पब्लिक को तकलीफ होता, अगर गिर गया तो तकलीफ होता बोल के हम कंप्लेंट दिया। और यूसुफगुड़ा कॉरपोरेटर को भी मैं बुलाया, मैं कार से भी नीचे नहीं उतरे मैंने, और DRF टीम से बात कर रहा हूँ क्या हुआ बोल के, उन लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं नहीं इन लोग ऐसा 40-50 जने हमारे ऊपर आ रहे, हमारे ऊपर अटैक करने के लिए कोशिश किया मैडम, इसलिए कॉल किया आपको बोले तो मैं ठीक है आप लोग आओ मेरे साथ पुलिस कंप्लेंट दे दो करके उन लोगों को भी बुला। उन लोग थोड़ा डर के मेरे से क्या बोला, नहीं नहीं मैडम मैं पुलिस स्टेशन नहीं आ सकते करके बोले। मैं उन लोगों को भी उन लोग से बात करने के लिए गया, बस काली DRF टीम हमारा स्टाफ है, GHMC स्टाफ है और मैं एक कॉरपोरेटर रह के ये मेरा फर्ज़ है कि उन लोगों को प्रोटेक्ट करना मेरा फ़र्ज़ है क्योंकि उन लोग और नाइट टाइम पे मेरे को कॉल किया कि उन लोग के ऊपर अटैक हो रहा, उन लोगों के ऊपर जा रहा बोल के उन लोग कॉल किया, इसलिए मैं गया वो टाइम पे। जाने के बाद उन लोग पूरा एक्सप्लेन कर रहे, जब भी एक औरत आई, औरत आके उन लोग उन्होंने बोला कि मैं नवीन यादव का फॉलोअर हूँ और मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ, कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रही हूँ, आपको एट कटआउट का क्या प्रॉब्लम है करके मेरे को पूछी। तो मैं उन लोगों उनकी उनको बस खाली कितना पोलाइटली मैं रिप्लाई दिया कि मैं मैम आपको मेरे को बस खाली आपका कटआउट का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, आपका कटआउट रहें दो मेरा बैनर रहें दो, वो DRF का ड्यूटी है निकालने का ड्यूटी है क्योंकि प्रोग्राम होने के बाद उन लोग निकाल दें, ये रख के भी 4 महीने हो गया इसलिए वो निकालने के लिए उन लोग आया, उन लोगों का ड्यूटी हम करने देना, आप ऐसा इतने जने उन लोगों के ऊपर हमला किया तो वो बात अच्छा नहीं है करके मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जब भी और दूसरा तीन चार औरत पी के आया, वो नवीन यादव का आदमी उन लोगों को बाइक में बिठा के लेकर आया वहाँ सिचुएशन स्पॉट को, क्योंकि
कम्प्लीटली प्री प्लान्ड अटैक है, क्योंकि वो टाइम पे चार पाँच छः ने औरत आ रहना और 40-50 जना वहाँ रहना बोले तो वो आपका क्या टाइम था मैडम? वो 11:30-11:45 ऐसा हो गया। वो टाइम पे उतने जने मतलब ग्रुप फॉर्म होने का भी उतने जने रहने का भी वजह भी नहीं है, क्योंकि कुछ प्रोग्राम भी नहीं हुआ, कुछ मीटिंग भी नहीं हुआ, उतने जने रहने का वजह भी नहीं है, फिर भी उन लोग इतने जने जमा होके वहाँ आए। बस खाली प्री प्लान करके मेरे ऊपर हमला किया, मेरे ऊपर अटैक किया उन लोग। और औरत कितना गलीस गलीस गालियाँ शुरू किया, गालियाँ शुरू करने के बीच में पुलिस को कॉल किया। पुलिस को कॉल करके मेरा आप वीडियो में देख सकते हैं, मैं पुलिस को कॉल कर रहा हूँ मेरे को एमरजेंसी आप पेट्रोलिंग वान भेजाओ या मेरे ऊपर हमला हो रहा, मेरे ऊपर अटैक हो रहा या ऐसा हो रहा बोल के मैं पुलिस को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जब भी वो औरत मेरे हाथ से फ़ोन भी खींच के फ़ोन भी गिरा दिया और तोड़ दिया, अभी मेरा फ़ोन भी तोड़ दिया पूरा। होने के बाद भी मैं सिचुएशन समझ के मैं ग्लास भी उतर दिया, मतलब ग्लास भी ऊपर करने के लिए कोशिश किया और डोर भी लॉक करने के लिए कोशिश किया। जब भी उन्होंने औरत वो डोर के ऊपर मारा और डोर के ऊपर हमला किया और डोर भी ओपन हो गया, ओपन होने के बाद मेरे को खींचने के लिए ज़बरदस्ती खींचने लगाई और दो तीन मारा भी, मार के मेरे को ज़बरदस्ती खींचने लगाई और मैं साड़ी भी उतरने लगा, साड़ी भी खींचने लगा। इतना गलीज मतलब इतना गलीज इंसिडेंट कभी जुबली कॉन्स्टेंस में रह दो, हमारा 10 साल हमारा गवर्नमेंट में रेस्ट टाइम पे कभी भी नहीं हुआ ऐसा इंसिडेंट, क्योंकि हम भी एक पार्टी में है और कभी भी दूसरा पार्टी वालों के ऊपर इतना हमला नहीं किया, इतना गलीज हरकतें कभी भी नहीं किया। हमारा पार्टी वाले रहें दो, हमारा कोई भी रहें दो, अब तक इतना गलीज हरकतें कोई भी नहीं किया, क्योंकि एक औरत रह के एक औरत के ऊपर ऐसा करना, जो भी रहें दो वहाँ पीछे नवीन यादव रहें दो और वेंकट यादव रहें दो, एक औरत रहते उनको थोड़ा दिमाग भी रहना कि एक औरत के ऊपर हम ऐसा करना गलीज बात है करके उनको भी थोड़ा रहना। वो फिर भी उन्होंने वैसा किया, मेरे को खींचने के लिए कोशिश किया, मैं थोड़ा कंट्रोल करके थोड़ा सामने जाके पुलिस कंप्लेंट किया मैंने। मैडम केस बुक हुआ उन लोग के ऊपर, तो जो हमला किया उन लोगों के ऊपर तो हुआ। मेरा डिमांड है